आज आप लोगों को एक नई जगह ले चलता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों में से बहुत कोई शायद उस जगह को जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ये मोरवादी से आने क्रम में बुढ़िया चौक पार करके रिंग रोड के पास आएंगे और फिर रिंग रोड पे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, रिंग रोड पार करेंगे, है ना। रिंग रोड पे नहीं जाना है, ये सीधे मोरवादी से और माही जाने वाले रास्ते में है। ये ढाबा एक बाबा का ढाबा है, गंदूर ढाबा, जहाँ पर ट्रेडिशनल झारखंड का ट्रेडिशनल फूड्स जो है ना वो मिलता है और ट्रेडिशनल तरीके से उसको बनाया जाता है। देखिए इधर नहीं जाना है, बाईं ओर नहीं जाना है, उसके आगे जाएंगे तो आप चौराहा मिलेगा, चौराहे से बाईं ओर जाना है। बहुत लोग बोर्ड लगा हुआ है, सरदार पटेल हाउसिंग कॉलोनी कुच्चू, बाईं ओर लेंगे हम लोग। और इसमें सीधे 7 किलोमीटर चलेंगे। मंदरों गांव हम लोग पहुंचे हैं अभी, यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं। रोड थोड़ा खराब है, सरकारी स्कूल भी इस जगह, और बच्चे जा भी रहे हैं अभी पढ़ के घर की ओर। यहीं पर पहुंचने के बाद रास्ते में सीधे ना जाके बाईं ओर मुड़ेंगे। झारखंड ट्राइबल फूड्स गंदूरी ढाबा, जो ट्रेडिशनल फूड्स खिलाते हैं ये लोग। चलिए आप लोग आगे दिखाता हूँ। आज लगता है बंद है। देखिए यहाँ पर मेनू चार्ट लगा हुआ है, क्या क्या इन लोग खिलाते हैं आने वाले लोगों को, और सारा चीज़ जो है एकदम ट्रेडिशनल मिलता है, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, आज किसी कारण से कम लोग आए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये लोग कमरे को रेंट पे भी देते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर से। और फर्श देखिए आप लोग, ये लगता तो है सीमेंट का बना हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ है।
रात में रुकने की व्यवस्था है, रुकने की चार रुकने का चार्ज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, जो आजकल बहुत फेमस है। लोग फैमिली भी लेके आते हैं और हैंग आउट की अच्छी जगह ही है। अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है जो आगे चलकर काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है। चलिए तो हम चलिए खाना खाइए। हां मिलने वाला है सिलेंडर। हां निकाल निकाल ले ले, आप चिंता मत करो। हां मिल रहा है। हम लोग जब काम नहीं है, छुट्टी है, हफ्ता में 3 दिन छुट्टी है तो 3 दिन है, आने तो महीनों रोज यहाँ। छुट्टी जब मिला तब यहाँ आना है काम है। हम्म।